कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। बच्चों आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट का मैथमेटिक्स और इसमें हम अंडरस्टैंड एंड राइट 7 इस एक्टिविटी को करेंगे। बड़ी ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, तो चलिए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं 7 के, जैसे यहाँ पर आप सबसे टॉप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपको एग्जांपल दिए हैं 7 का। और यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि 7 बनता कैसे है। जब आप 6 में 1 को प्लस करते हैं तब जाकर आपका 7 बनता है। और 7 की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, यहाँ पर दी गई है SEVEN 7। यहाँ पर बच्चों आपको एग्जांपल में हैंड का फिंगर्स भी दिया है, जिसमें 5 फिंगर और यहाँ पर प्लस 2 फिंगर, यानी इस हैंड के 5 फिंगर और इस हैंड के 2 फिंगर, सबको आप प्लस कर दोगे तो आपका बन जाएगा 7। चलो जल्दी काउंट करो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये आपका 7 बन जाता है। और भी एग्जांपल यहाँ पर आपको दिए हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आपको टॉय दिख रहे हैं, इन सबको काउंट करो जल्दी से, देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। वैसे यहाँ पर डक के भी एग्जांपल दिए हैं, ये भी टोटल 7 ही है। और यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी है जिसमें कहा गया है ड्रॉ 7 बीट्स, तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे से बीट्स को ड्रॉ करना है, टोटल 7। चलो जल्दी जल्दी अपना कलर बॉक्स निकालो और फटाफट यहाँ पर बीट्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर मैंने बीट्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है, 4 हो गया, ये 5, 6 एंड 7, देखो टोटल काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पर हमने 7 बीट्स को ड्रॉ कर लिया। आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपको कलर करना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपको समझने के लिए एक और एग्जांपल दिया है 7 का। यहाँ पर कहा गया है 7, 7, 7, अ रेनबो हैज़ कलर्स 7। आपने रेनबो देखा होगा, उसमें कितने कलर होते हैं बच्चों, उसमें होते हैं 7 कलर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके पेज नंबर 14 पर और क्या एक्टिविटी दी गई है। तो बच्चों हमने लास्ट वाले क्लास में किया था आपको स्ट्रिंग, जो यहाँ पर ये धागा टाइप आपको दिख रहा है इसको स्ट्रिंग कहते हैं, इसको इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में, इसमें आपको टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स को लूप में लेना है, वो आपको यहाँ पर दिया है 7। तो इस वाले बॉक्स में भी आपको 7 ऑब्जेक्ट को लूप में लेना है और इस वाले बॉक्स में भी आपको 7 ऑब्जेक्ट को लूप में लेना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम काउंट करेंगे टोटल कितने ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। देखो यहाँ पर आप काउंट करोगे तो आपको दिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल यहाँ पर हमें 9 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जिसमें से हमें ओनली 7 ऑब्जेक्ट्स को लूप में लेना है। तो चलो बच्चों जल्दी जल्दी अपना कलर निकालो और 7 ऑब्जेक्ट्स को लूप में लेना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये हो गया हमारा 7। देखो यहाँ पर अभी आप काउंट करोगे तो कितना दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो यहाँ पर हमने टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स को ही लूप में लिया है। तो इस वाले बॉक्स को हम लोग ने कर लिया, इस वाले बॉक्स को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसको काउंट करना है आपको, तो जल्दी जल्दी काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, टोटल यहाँ पर हमें 10 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जिसमें से हमें कितने ऑब्जेक्ट्स को लूप में लेना है बच्चों, यहाँ पर दिया है ओनली 7। तो चलो जल्दी जल्दी आप इसको लूप में लेना स्टार्ट करो, काउंट करना है आपको। देखो सबसे पहले आपको 7 लेना है, तो आप इस साइड से भी ले सकते हो और इस साइड से भी, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप 7 ऑब्जेक्ट्स को लूप में लेना स्टार्ट करो। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1
1 2 3 4 5। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने 7 ऑब्जेक्ट्स को लूप में ले लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये यहाँ पर हमने इस वाले बॉक्स को भी करेक्टली सॉल्व कर लिया। बच्चों आगे इसमें आपको 7 की प्रैक्टिस करने को कहा गया है, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला बॉक्स आपको दिया है डॉटेड वाला, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, जो डॉट दिए हैं उनको आपको ज्वाइन करना है, तो आपका 7 बन जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है और आपको 7 बनाना है। बहुत ही ईजी है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आपको 7 की प्रैक्टिस करना है, इस वाले बॉक्स को आप होमवर्क में ले लो। ठीक है, आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।